भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन की आधारशिला हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने रखी। 80 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाली इस यूनिवर्सिटी को 2014 में कांग्रेस सरकार ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने 132 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाने का काम शुरू कर दिया है। जींद विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का पूरा भवन 500 करोड़ रुपया खर्च करके और आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का भवन 80 करोड़ रुपया मंजूर करके और एक भवन का मैं उद्घाटन कर। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं, जिसके तहत चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के अधूरे कामों को पूरा करवाया जा रहा है। कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा था, लेकिन हरियाणा में चुनाव नजदीक है तो सियासत भी होना लाजमी है। सो लगे हाथ शिक्षा मंत्री ने पहले की सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में की गई कमियों को गिनाना शुरू कर दिया। खैर, जो भी हो, अब तो ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किस सरकार के काम से जनता खुश है और किस सरकार के काम से जनता ना खुश। R9 TV के लिए भिवानी से सुमित भिवानी की रिपोर्ट।